दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो समय यात्रा करके आए हैं। साल 2006, स्वीडन के एक व्यक्ति हॉकिन नॉर्थ कुछ फ़ोटो इंटरनेट में डाली, फिर पूरे दुनिया में सनसनी फैल गई थी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 17 ईयर्स ओल्ड हॉकिन नॉर्थ को भी देखा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन आगे ऐसे बहुत से खुलासे होते रहे हैं। इंटरनेशनल टीवी चैनल टाइम ट्रेवलर नोवा का इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वो भविष्य की यात्रा करके लौटे हैं। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर बहुत कुछ सारे बातें बता चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि सन 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती एलोएंडा रिनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति होगी, और इसके साथ ही वो अमेरिका की अर्धराष्ट्रपति होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। साल 1911 में पहली बार सालोर्ड अम्मी एंड एलेनर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवलर का जिक्र किया था, और उनका कहना था कि वो एक दिन दोनों घूमते घूमते समय की यात्रा में 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। दोस्तों, क्या आप समय की यात्रा करना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आजकल हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की युग में जी रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बिना हमारे काम नहीं आ सकती है। हमें जो कुछ भी जानकारी और ज्ञान मिलता है वो सब कंप्यूटर की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आज की दुनिया में अतीत या भविष्य की यात्रा करना संभव है। आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।